मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज इंडिया ने वो काम कर दिखाया है जो दुनिया में किसी भी देश ने नहीं किया था। और दोस्तों, इसका सारा श्रेय जाता है इसरो की टीम को, जिन्होंने चंद्रयान 3 के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की और तीसरी बार वो इस काम में सफल रहे। आइए देखते हैं कैसे चंद्रयान 3 को चांद के ऊपर लैंड कराया गया, वो आखिरी मिनट कैसे थे। 23 अगस्त 2023 आज की शाम इसरो के वैज्ञानिकों और सभी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के सतह पर उतरने के ऐतिहासिक पलों को देखने के लिए तैयार और उत्सुक हैं। जी हाँ, इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है और आज हम सब लोग इसके साक्षी बनेंगे। चुकी है, अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग लगभग 800 मीटर हो जाएगी। वी आर नियरिंग द फाइनल फेज ऑफ द पावर डिसेंट, विच इज गोइंग टू बी द वर्टिकल डिसेंट फेज और द लोकल नेविगेशन फेज। जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। देख सकते हैं, ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। वेरी गुड सिग्नेचर फॉर द लैंडर। अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. Lander module पूरी तरह से safely और softly चंद्रमा के सतह पे land हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें, चंद्रयान 3 को इस मकसद के लिए चांद पर भेजा गया है ताकि वहाँ पर जाकर नई नई रिसर्च कर सके और वहाँ के फ़ोटो खींचकर इसरो के पास भेज सके और ये भी पता लगाया जा सके कि चांद पर पानी है या नहीं। और भी कई तरह की जानकारियाँ चंद्रयान से इसरो को मिलेंगी, जिन्हें फिर वो देश और दुनिया के साथ साझा करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम।